Hello students, in the earlier classes as you know we have already discussed about the agriculture sector and the industrial sector of India under the British rule, under the colonial rule. In today's class we will discuss about India's foreign trade under the British rule. India ka foreign trade kaisa tha wo hum aaj discuss karenge. Chaliye aaiye dekhte hain restrictive policies jo hain wo ब्रिटिशर्स जो है फॉलो करते थे रिलेटिंग टू कमोडिटी प्रोडक्शन, रेस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड रेस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू टैरिफ. रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज फॉलो की जाती थी ब्रिटिशर्स के थ्रू. कंट्रोल करते थे बहुत ज्यादा, मोनोपोली थी उनकी. क्या हम बनाएंगे कमोडिटी प्रोडक्शन, क्या हम बेचेंगे ट्रेड, और उस पर टैक्सेस क्या होंगे टैरिफ. टैरिफ होते हैं बेसिकली इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं. तो कौन सी कंट्री से सामान खरीदने पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, कौन सी कंट्री से सामान खरीदने पे कम टैक्स लगेगा, ठीक है, और कितना लगेगा, ये सब जो है वो कंट्रोल करते थे. पूरा रेस्ट्रिक्शन हम पे लगा रहता था, इसीलिए इसे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज कहा गया है. फुल कंट्रोल उनका कहा गया है, मोनोपोली उनकी कही गई है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, इंडिया बिकेम इम्पोर्टर, ठीक है, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. इंडिया बिकेम क्या, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल का जो है इंडिया एक्सपोर्टर बन गया, रॉ मटेरियल पूरा हमारे यहाँ से बाहर जाने लगा और हम जो है बना बनाया सामान खरीदने लगे. ऐसा उनकी उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ, या वो चाहते भी यही थे कि वहाँ की कंट्री का बना हुआ सामान, बना बनाया रेडीमेड जो सामान है, गुड्स हैं, वो हम खरीदें और हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ चला जाए ताकि वो अपने गुड्स बना सकें. यही उनका इंटेंशन था बेसिकली. तो हमारे यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट होने लगा, रॉ कॉटन है, रॉ सिल्क है, इंडिगो इज यूज फॉर डाई ऑफ क्लोथ्स. कपड़े को रंगने के अंदर जो है वो इंडिगो का यूज आता है, ठीक है, तो उसमें उसका वो हमारे यहाँ पे ग्रो किया जा रहा था और वहाँ भेज दिया जा रहा था. तो ये सब जो है वो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे से एक्सपोर्ट किए जाने लगे और हम क्या खरीदने लगे वहाँ से, हम वहाँ से इम्पोर्ट करने लगे पूरे हम कंज्यूमर गुड्स भी इम्पोर्ट करने लगे और कैपिटल गुड्स भी इम्पोर्ट करने लगे. कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों, ठीक है. कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स हमारी जो होती हैं, वो हमारे यहाँ पे तो प्रोडक्शन इतना वो करते नहीं थे या होता नहीं था, इंडस्ट्रीज उनकी यहीं पे थी, फैक्ट्री वहाँ पे ही थी ब्रिटेन के अंदर, तो वहाँ से मशीन्स हमारे यहाँ पे लाई जाती थी. अगर किसी को भी मशीन्स चाहिए तो वो वहीं से ही मंगानी पड़ती थी, ठीक है. और साथ ही साथ कंज्यूमर गुड्स भी, क्योंकि देखिए सारा रॉ मटेरियल वहाँ चला गया, अब वहाँ से बना बना सामान वहाँ से आ रहा था. क्या कौन सा, जैसे मान लीजिए रॉ कॉटन चला गया तो कॉटन क्लॉथ पूरा बना बनाया वहाँ से आने लगा, रॉ सिल्क चला गया तो सिल्क क्लॉथ वहाँ से बना बनाया आने लगा. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ से बनी बनाई फिनिश गुड्स हम खरीदने लगे, क्लियर है. चलिए अब जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसका कॉम्पोजिशन क्या था. मेजॉरिटी जो हम फॉरेन ट्रेड करते थे वॉज विद द ग्रेट ब्रिटेन ओनली, ठीक है. ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही हम मेजॉरिटी ट्रेड करते थे, ठीक. मोर देन 50% ट्रेड हमारा वहाँ उनके साथ होता था. उसके अलावा हमारा जो ट्रेड होता था वो हमारा चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, ये तीन कंट्रीज ऐसी थी जिनसे हमारा ज़्यादा ट्रेड होता था, ठीक है. कौन कौन सी कंट्रीज, ब्रिटेन तो है ही मोर देन 50%, उसके अलावा चाइना, श्रीलंका एंड ईरान. चाइना एंड श्रीलंका तो आपके एकदम नेबरिंग कंट्रीज ही है, ईरान भी ज़्यादा दूर नहीं है इंडिया से, पास में ही है, ठीक है. तो वहाँ से ट्रेड हमारा ज़्यादा होता था, ठीक है. एक जनरल नॉलेज का उसमें क्वेश्चन कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन. जब हम वहाँ पे उनसे ट्रेड करते थे तब वो सिलोन था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका नाम सिलोन था. चलिए अब ये जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने फॉलो की ब्रिटिशर्स ने, उससे एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सामने निकल के है, ठीक है. वो क्या हुआ, ठीक है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुआ, इंडिया की वेल्थ का ड्रेन
यानी कि वेल्थ पूरी यहां से निकल गई और कहां चली गई, वहां चली गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट किया। ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, सरप्लस मतलब ज्यादा एक्सेस, तो एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा थे इंपोर्ट्स कम थे। अब अगर आज की सिचुएशन में बात की जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एक्सपोर्ट करना है, किसे एक्सपोर्ट करना है, किस रेट पे करना है, और उसका पैसा भी हमें ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की सिचुएशन में बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन तब ये अच्छी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे थे कि क्या एक्सपोर्ट करना है, किसे एक्सपोर्ट करना है, किस रेट पे करना है, उसका पैसा भी उन्हें मिल रहा था। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस के थ्रू हमारा इंडियन वेल्थ पूरा बाहर चला गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे एसेंशियल गुड्स की भी शॉर्टेज होने लगी, यानी कि वीट, शुगर, केरोसिन, ये उस टाइम के एसेंशियल गुड्स थे, इस चीज़ की भी शॉर्टेज हमारे यहाँ पे क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट सरप्लस। सब बाहर भेज दिया जा रहा था, बोले हम आपकी कंट्री के लोग भूखे मरे तो मरे, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो हमारे यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल, पूरे एसेंशियल गुड्स निकाल निकाल के वहाँ ले गए, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर दिए। और फिर सेकेंडली, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट और आपके यहाँ कर लीजिए कि वहाँ से जो गोल्ड एंड सिल्वर जो हमें रिसीव होता था वो भी जो है वो अपने पास रख लेते थे और उससे पेमेंट्स करते थे टू ब्रिटिशर्स। मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स वर्क कर रहे थे, जो पुलिस में थे, जो क्या कहते हैं आर्मी में थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे थे, यानी कि मैनेज जो कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, ऑफिसर्स जो उनके बने हुए थे उसके अंदर काम करने वाले ब्रिटिशर्स, उन सब की सैलरीज के पेमेंट्स, वो सब जो ऑफिसर्स थे उन सब के खर्चे, उसके अंदर वो गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ कर रहे थे। कौन सा गोल्ड एंड सिल्वर? जो एक्सपोर्ट करने पे हमको मिलता था, ये सामान सारा जा रहा है तो इसके बदले में पेमेंट तो आएगा, आता था पेमेंट लेकिन हमको नहीं मिलता था, वो खुद ही रख लेते थे और बोलते थे कि हमारी कंट्री के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कैसे देंगे, इसी पैसे से देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो ऑफिसेज चल रहे हैं उसके खर्चे कैसे हम पूरे करेंगे, इसी गोल्ड एंड सिल्वर से करेंगे। तो देखिए, रॉ मटेरियल हमारा यूज़ कर रहे हैं, लैंड हमारी यूज़ कर रहे हैं, सब रिसोर्सेज हमारी यूज़ कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो गया। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड, दिस वॉज अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, एक सुएज कनाल की ओपनिंग, ये आपके लिए इसमें पढ़ने वाला टॉपिक है कि सुएज कनाल की ओपनिंग जब हुई, या सुएज कनाल जो एक वाटर वे बना इंग्लैंड और या ब्रिटेन और इंडिया के बीच का रास्ता छोटा हो गया, एक वाटर वे बना है, तो आप ये आप सर्च करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि सुएज कनाल कहाँ से कहाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी क्या है, कब वो ऑपरेशन में आया, डिस्टेंस पहले कितना था उस सुएज कनाल के बाद कितना हो गया, ये सब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुएज कनाल ओपनिंग होने से कितना फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।